हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सबसे पहले मैं आपको एक DIY दिखाऊंगी जो कि आज ही मैंने किया है आजकल ना मैक का स्ट्रोप क्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ में है पर मैक खरीदने की तो हमारी औकात नहीं वैसे इसका एक बहुत ही अच्छा ड्यूब भी अवेलेबल है लैक्मे का लूमी क्रीम जो कि मैं नहीं खरीद सकती फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि क्यों ना डी ही किया जाए बेसिकली स्ट्रोप क्रीम जो है वो एक हाइलाइटिंग मॉइस्चराइज़र है तो मैंने क्या किया मॉइस्चराइज़र ले लिया और इसमें अपना फेवरेट कलर ऑफ हाइलाइटर मिक्स कर लिया मैंने लाइट पिंक और वाइट शेड मिक्स किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके लगाएंगे ना तो हमारा चेहरा बिल्कुल स्ट्रोप क्रीम जैसा चमक जाएगा काफ़ी अच्छा लगा मुझे जैसा दिखाते हैं वो लोग स्ट्रोप क्रीम लगा के वैसा ही कुछ इफेक्ट लग रहा था अब एग्जैक्टली exactly तो नहीं हो पाएगा पर एट्टी टू नाइन्टी परसेंट तो हो ही गया और देखो इसको लगाने के बाद मेरा चेहरा कैसे चमक रहा है नॉर्मल मॉइस्चराइजर के कंपैरिजन में तो ऑफ़ कोर्स ये चमक रहा है इसके बाद चलो हो जाते हैं तैयार क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज खाने बाहर वैसे हम लोग ये अनप्लान्ड कभी नहीं जाते हैं बाहर हमेशा प्री प्लान्ड होता है पर आज शाम से मेरा बहुत मन कर रहा था डोसा खाने का तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं दौड़ के गई रिक्की के पास कि चलो चलो खाने चलते हैं तो उसने मना कर दिया फिर मैं गई मम्मी के पास और मम्मी मान गई तो मम्मी ने बोला कि तुम ही लोग जाके खा लो उसका मन नहीं है तो पापा जैसे ही आए हम लोग चारों निकल गए खाने के लिए यहाँ का फेमस आउटलेट फॉर डोसा है अन्नपूर्णा लेकिन हम लोग आज कहीं और जाने वाले हैं ट्राई करने के लिए तो आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले शॉट में दिखाया था कि हम द अमीर लाल कैफे में गए जहाँ पे मेन्यू काफ़ी डाइवर्स था मेन्यू भी काफ़ी डाइवर्स था चाइनीज़ साउथ इंडियन जैसे डिशेस भी थे इटालियन भी था तो बस चल दिए अमीर लाल मसाला डोसा ट्राई करने के लिए वैसे ये जो जगह है ये भी मैंने अपने शॉर्ट में दिखाया है तो गेस करो ये कौन सी जगह हो सकती है ये लौटते टाइम मैं आपको बताऊँगी बस हम लोग पहुंच चुके हैं द अमीर लालस और जाके अपना अपना कुर्सी लेके कर वहाँ पर प्रस्थान कर जाएंगे पापा यहाँ पे मेन्यू चेकआउट कर रहे हैं वैसे तो हम लोगों ने उस दिन सब देखा ही था पर पापा पहली बार आए हैं तो इन्होंने आज देखा और हमने सिर्फ मसाला दोसा ही नहीं और भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं जैसा कि मैंने बताया है कि द अमीर लाल्स अपने एम्बियस के लिए फ़ेमस है और वाकई में काफ़ी सुंदर है एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि ये लोग जो टेबल है ना उस पर फ़्रेश फ्लावर रखते हैं ये जो फ्लावर है ये असली है और ये शायद रोज़ चेंज करते होंगे तभी इतना खिला खिला सा है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी अब हमारा खाना आ रहा है वैसे इन लोगों ने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी हम लोगों ने जो भी चीज़ें ऑर्डर किया था उसको लाने का ऑर्डर इन लोगों ने गलत कर दिया तो सबसे पहले मसाला डोसा बोला था पर ये लोग लेके चले आए चिकन चिली और डोसा लाने में इन लोगों ने कुछ पंद्रह से बीस मिनट लगाया तो तब तक हम लोग एक एक चिकन चिली ही टेस्ट कर लेते हैं इसका नाम था बास्केट ऑफ चिकन चिली और ये खाने में ठीक ठाक था फिर आया हमारा डोसा लेकिन डोसा में सांभर नहीं था जो कि बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए और मुझे लगा कि यार सांभर नहीं देंगे क्या फिर मैंने जब बोला तब उन लोगों ने सांभर ला के दिया तो गलती हो गई थी दो प्लेट्स में बस सांभर नहीं लाए थे बाकी दो प्लेट्स में लेकर आए थे खाने में मुझे ये ठीक लगा अगर पूछोगे कि अन्नपूर्णा का खाना है या यहाँ का तो मैं अन्नपूर्णा के साथ जाना चाहूँगी यहाँ पर नहीं पापा ने नान भी ऑर्डर किया था चिकन चिली के साथ पहले उन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम भी खाओगी क्या मैंने बोला हाँ पर फिर बाद में मैंने मना कर दिया एंड लकीली थैंक गॉड मैंने मना कर दिया क्योंकि डोसा खाने के बाद मेरा पेट इतना भर चुका था ना कि बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी बिल्कुल भी पेट में खाली जगह नहीं था तो इन लोगों ने ये नान एक एक नान और चिकन चिली ट्राई किया जो कि ठीक ठाक सा था लास्टली हम लोगों ने ये चीज़ केक ऑर्डर किया था ब्लूबेरी चीज़ केक जो कि दिखने में तो यमी था ही और खाने में भी बहुत यमी था और इसको देख के ना मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ की याद आती है फ्रेंड्स की जहाँ पे रेचल और चैनलर मिलके ज़मीन से उठा उठा के वो खाते हैं और ये सच में खाने में इतना यमी था कि इसको ज़मीन से भी उठा के मैं खा सकती हूँ बहुत अच्छा था आज के खाने में एकमात्र चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और जिसको मैं फ़ाइव आउट ऑफ फाइव दूंगी वो है ये चीज़ केक मैंने और भी चीज़ों का रिव्यू दिया है अपने शॉर्ट में जो कि हमने लास्ट टाइम आके खाया था तो वो भी आप जाके देख सकते हैं इफ़ यू लिव इन मोतिहारी और फाइनली सब कुछ खाने के बाद हमारा बिल आया है येस करो कितना 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 बस बारह सौ एटी फाइव रुपीज़ का तो बस हम लोगों ने बिल पे किया और फिर निकल गए वीडियो के शुरू में जब हम लोग आ रहे थे तो मैंने बोला था कि ये जगह गेस्ट करो जो कि मैंने शॉर्ट में दिखाया था ये लाइट लाइट वाला जगह तो ये जगह है अमर रिजॉर्ट जहाँ पे हम लोग कुछ दिन पहले एक शादी अटेंड करने के लिए आए थे उस दिन तो ये काफ़ी कम सज़ा था लेकिन आज बहुत ज़्यादा सज़ा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं घर और इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई एल मीट इन माई नेक्स्ट लॉग Bye-bye.